अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हुआ एक नई जबरदस्त वीडियो के साथ। काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था फुली ऑटोमेटिक स्कूटीज का और काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी हमारे पास और तकरीबन पिछले तकरीबन 3 महीने से ये शॉर्टेज चल रही थी। उसकी वजह यह है कि शिपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी डिले होगी। उसकी सबसे जो मेन वजह जो है प्राइस है, वो डॉलर की फ्लक्चुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई है। और सेकेंड फैक्टर ये है कि चाइना के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जो कोविड की वजह से दोबारा से बंद हो गई हैं और अभी भी जो हमारे पास अभी स्टॉक है काफ़ी मुश्किल से हमारे पास पहुंच चुका है और जो नेक्स्ट आना उसमें थोड़ा टाइम डिले मजीद लग जाएगा क्योंकि अभी जो हालात हैं स्पेशली चाइना में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो पूरी दुनिया में जो जो वबा फैली हुई है उससे तमाम लोगों को निजात दे ताकि जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं स्पेशली इम्पोर्ट के हवाले से तो उनके जो भी कारोबारी मामला वो अच्छे तरीके से चल पाएँ। और रमज़ान करीम का महीना है तो आप लोग जो है दुआ करें सबके लिए, हमारे लिए भी खसूसी दुआ करें, अपनी दुआ में खसूसी याद रखें। तो अभी जल्दी से बढ़ते हैं रिव्यू की जानिब और बैकएंड पे आप देख सकते हैं स्कूटीज मेरे पास मौजूद है 1-5 cc कैटेगरी में। आज इनका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपसे डिस्कस करेंगे। बैकएंड पे मेरे पास टाइम 3 कलर स्कीम मौजूद है जिसमें पल वाइट कलर है, ब्लैक शाइन कलर है और इसके साथ हमारे पास रेड कलर में मौजूद है। मजीद भी इंशाल्लाह इसमें मजीद भी कलर ऐड होंगे और वो भी आपसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका भी रिव्यू आपके लिए लेके आए। अभी जल्दी से बढ़ते हैं रिव्यू की जानिब, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट के ऊपर जो इसका टायर साइज है वो आपको क्लोजर में भी चेक करवा देते हैं। 3/50/10 है इसका फ्रंट के ऊपर टायर, दोनों जो फ्रंट एंड बैक रिम साइज़ है वो 10 इंच में आ जाते हैं, 10 इंच के रिम साइज़ है। और डिस्क भी आप देख सकते हैं, इसकी स्मार्ट डिस्क है, ड्यूल पिस्टन कैलिबर, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। और फ्रंट पे जो इसकी शॉक सस्पेंशन है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको जो है वो ड्राइविंग के दौरान काफ़ी अच्छी कम्फर्ट मिल जाती है इसकी शॉक सस्पेंशन की। इसके बाद बढ़ते हैं इसकी फ्रंट लाइट्स की जानिब, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइलिश लाइट है। और जैसे इसका आप ऑन करते हैं इग्निशन स्विच तो यहाँ पे नीचे जो है पार्किंग लाइट्स भी मौजूद हैं, ये आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, ये इसकी पार्किंग लाइट्स है। और जैसे ही फिर इसकी लाइट आप ऑन करते हैं तो हैलोजन बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है जिसके अंदर हमें हाई एंड लो बीम दोनों मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर बहुत ही स्टाइलिश किस्म के इसके यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जैसे आप इसके इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत किस्म के ग्लो करते हुए नज़र आते हैं और दूर से ये इंडिकेशन काफ़ी अच्छी लगती है लुक में। और दोनों साइड पे ये हमें गोल्डन कलर में जो है इसके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये स्कूटी जो है साइगन जीआर के नाम से मॉडल्स है और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलर है। कलर स्कीम ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास मैट ब्लैक कलर है, रेड शाइन और पर्ल वाइट 3 कलर स्कीम में मौजूद है। जी व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं इसके मीटर डिस्प्ले की जानिब, इसका मीटर भी आपको ऑन करके दिखाते हैं। और इसके अंदर जैसे आप इसकी पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तो इसका मीटर आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये इस टाइप का। इसके अंदर मीटर के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और इसके साथ ही नीचे यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन की भी ऑप्शन मिल जाती है। फ्यूल इंडिकेटर जो है यहाँ पे बताता है कि आपके अंदर इसकी फ्यूल के कितनी स्टोरेज मौजूद है। जैसा कि इसके फ्यूल की जो स्टोरेज है तकरीबन 5 लीटर तक होती है, वो भी आपको भी चेक करवाएंगे। इसका जो रीफिल करने का प्रोसीजर है वो सीट के नीचे होता है। राइट साइड असम्बली की बात करें, यहाँ पर हमें लाइट हाई लो की ऑप्शन मिल जाती है और नीचे सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए इसकी ब्रेक प्रेस करना बहुत ज़रूरी है और जब तक आप ब्रेक नहीं प्रेस करेंगे तो ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। और इसकी दोनों साइड पे जो ब्रेक्स हैं इसके अंदर स्विच प्रोवाइड किया गया होता है और उसकी मदद से आप इसको इजीली स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी आपको भी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे किस टाइप का इसका जो प्रोसीजर था स्टार्टिंग का। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ग्रिप है इसके अंदर हमें लाइट हाई लो की भी मिल जाती है, नीचे इंडिकेटर की और सबसे लास्ट में हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। स्टार्ट करने के लिए इसकी जो है आप राइट या लेफ्ट साइड की दोनों कोई भी एक ब्रेक प्रेस करके इसका सेल्फ स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट हो गई है और रेडी टू गो है, जस्ट स्टार्ट एंड गो है, इसको आप जैसे ही एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो ये इजीली स्टार्ट हो जाती है। और जिसका आप रियर व्हील देख रहे हैं, जैसे ही इसका एक्सीलेटर आप देंगे तो ये व्हील मूव करता है और जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाए। इग्निशन जो इसका स्विच है इसके अंदर सारा कंट्रोल मिल जाता है, इसी के अंदर हैंडल लॉक भी है और इसी के अंदर जो है इसका बैक जो सीट है वो भी अनलॉक होती है। अभी इसकी जो बैक सीट है वो अनलॉक करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर कितनी स्पेस मौजूद है सीट के अंदर।
ये इसकी बैक सीट ओपन कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है, यहाँ पे कोई भी आप लगेज रख सकते हैं और छोटा एक हाफ हेलमेट रखना चाहें तो वो भी इजीली इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफिलिंग के लिए फ्यूल कैप कवर मौजूद है और जैसा कि आपको पता है इसके अंदर मैक्सिमम जो फ्यूल स्टोरेज है तकरीबन 5 लीटर तक होती है और उसकी जो इंडिकेशन है आपको मीटर डिस्प्ले में मिल जाती है, आप ईज़िली चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना फ्यूल मौजूद है। रिज़र्व के ऊपर तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर तक फ्यूल रिज़र्व मौजूद होता है। बैक के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का बैक कैरियर मौजूद है और इसके ऊपर भी आप कोई लगेज वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं और बाकी इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा बॉक्स अगर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बॉक्स भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी मौजूद है, आपको बॉक्स भी वो चेक करा देते हैं इसमें बैक के ऊपर अगर बॉक्स रखा जाए तो वो किस टाइप की लुक देता है। शायद आपको बताया था फ्रंट एंड बैक पे दोनों सेम ही हैं, 350/10 फ्रंट पर भी है और बैक के ऊपर है और बैक के ऊपर जो ब्रेकिंग की बात करें बैक के ऊपर हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। तो बात कर लेते हैं इसके रियर शॉक सस्पेंशन की, तो बैक के ऊपर हमें ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिल जाती है और काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है, मतलब इसके ऊपर अगर दो भी बैठते हैं इसके ऊपर राइडर तो इजीली स्पेस मौजूद है और शॉक सस्पेंशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो है इसका बात करते हैं मेनली इंजन की, तो 125 cc फुली ऑटोमेटिक की इंजन है, फुली ऑटोमेटिक CVT गियर ट्रांसमिशन इसकी होती है और Euro 2 बेस करता है ये इंजन और काफ़ी अच्छी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो तकरीबन 1 लीटर में 50 to 55 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। ये जैसा कि आपको बोला था इसका बैक के ऊपर आप बॉक्स भी चेक करवाएंगे तो इसके ऊपर ये ऑप्शनल बॉक्स मौजूद होता है, अगर आप लगाना चाहें तो वो भी ईजिली इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है बैक लाइट्स की और इंडिकेटर्स की, वो भी आपको क्लोजअप में चेक करवा देते हैं। ये इसकी बैक लाइट्स हैं और काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइलिश किस्म की है, जैसा कि कार्स टाइप की होती है और ये इसकी ब्रेक लैंप ऑन हो गया और इंडिकेटर्स भी हैं वो भी इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। टर्न सिग्नल जो है ये राइट साइड का टर्न सिग्नल है और लेफ़्ट साइड का बिल्कुल इसी टाइप का है, जैसा कि एक कार शेप में आता है उसी टाइप की इसकी बैक लुक है और काफ़ी ज़बरदस्त है और जैसे ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये लाइट ग्लो करती हुई नज़र आती है। मफलर जो आप देख सकते हैं इसका स्पोर्टी टाइप का इसका मफलर है, साउंड आपको भी स्टार्ट करके भी चेक करवा दिए और जो इसकी सीट के ऊपर आप देख सकते हैं दो बंदों के लिए ईजी स्पेस मौजूद है, राइट इसको ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। बाकी इसके साथ जो है एक्स्ट्रा आपको मिरर्स मिल जाते हैं, बैटरी मिल जाती है तो ये इसके साथ कम्प्लीमेंट्री है। बाकी ये है कि स्कूटीज़ जो है हर एज के लिए सूटेबल है, हर एज के लोग इजीली इसको चला सकते हैं और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इसमें, हर एज के लिए परफेक्ट है, चाहे वो यंगस्टर हैं चाहे वो ओल्ड एज के पीपल हैं या फीमेल्स हैं वो इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं और बाज़ लोग है विद इन वीक भी इसको प्रैक्टिस करके ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको ये फुली ऑटोमेटिक 125 cc स्कूटी के बारे में डिटेल दी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मॉडल है, हमारे पास काफ़ी डिमांडेबल था, अभी हमारे पास स्टॉक में आ चुका है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने वीडियोस देखी है वो फौरी कॉन्टैक्ट कर लिया करें, बाज़ दफ़ा आप वीडियो डिले में देखते हैं और स्टॉक खत्म हो जाता है तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक इस टाइम मौजूद है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मरी रोड वारिसगंज शॉप पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और ये खूबसूरत स्कूटी अपने डोरस्टेप पर डिलीवर करना चाहते हैं तो डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं अपने डोरस्टेप पर ईजिली डिलीवर भी करवा सकते हैं। लास्ट में जैसे आपको बोला था इसकी प्राइस टैग आपसे डिस्कस करेंगे, तो खूबसूरत स्कूटी की जो प्राइस टैग है 185 है और इसके साथ ही जो है आपको ज़बरदस्त प्रोमो कोड चल रहा है रमदान करीम, उसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त जो हेलमेट एज ए कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट इसके साथ ज़रूर हासिल कीजिए। और इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल MB ट्रेडिंग कंपनी उसको भी जरूर लाइक करें ताकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी पोस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलती रहे। इस प्रोडक्ट की मजीद डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी .com पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन प्राइस वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे तमाम जो अदर सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।